आज मैं आपके सामने निकॉन D7200 का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्या है इसमें? ये वारंटी कार्ड, ये है निकॉन स्कूल का तरफ से। ये दिखाने पे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये आपका यूजर मैनुअल, ये आपका चार्जर का जैक, ये आपका चार्जर, USB केबल। चलिए देखते हैं लेंस। ये है आपका निकॉन का 18-140 VR DX लेंस है। इसका एपर्चर है आपका 3.5-5.6, जो कि एक किट लेंस है। और इसमें आपका ये मिड लेवल किट लेंस है। आपका टेलीफोटो तो नहीं है इसमें, लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। चलिए देखते हैं कैमरा बॉडी की तरफ। ये है निकॉन D7200। ऊपर देख रही है, ये LCD पैनल है आपका। इसमें आप एपर्चर और शटर स्पीड जो कि मॉनिटर कर सकते हैं। आपको बार बार मेन स्क्रीन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं लेंस और कैमरा बॉडी फिक्स करके। ये लेंस को फिक्स करने के लिए आपको ये वाइट डॉट कैमरा बॉडी का वाइट डॉट के सेम लेवल पे लाके इस बटन को प्रेस करके ये हो गया। अभी इसको हम ऑन करते हैं। चलिए कुछ सैंपल शॉट्स लेके देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। यहाँ पे टॉप में आपको मिल जाएगा कौन कौन सा मोड में आप फोटो ले सकते हैं। मैं आपको ऑटो मोड पे दिखाता हूँ। अभी आपको मैनुअल मोड में दिखा था। अभी आप चाहे तो इसका मैनुअल मोड पे एपर्चर और आपका शटर स्पीड, ISO वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। आपको एपर्चर चेंज करने के लिए ये फ्रंट वाला बटन ये आपको चेंज करना होगा और आपका शटर स्पीड चेंज करने के लिए और ISO चेंज करने के लिए आपका ज़ूम इन करके देखिए डिटेलिंग में। इसमें काफ़ी सारा जैक का भी ऑप्शन है। ये है आपका हेडफोन जैक, ये HDMI जैक, और इसमें माइक का भी ऑप्शन है जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये आपका USB जैक है। इसमें बिल्ट इन वाईफाई है, NFC है, जो कि मूवी और मूवी तो इसमें शेयर नहीं होगा।
जो कि पिक्चर शेयरिंग के लिए ये वाईफाई और एनएफसी बहुत काम आ सकता है। और यहाँ से आपका ये आपका इसमें दो एचडी कार्ड का स्लॉट है, जो कि एक में आप चाहे तो मूवी रिकॉर्ड कर सकते हैं और दूसरे में आप पिक्चर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ऐसा भी ऑप्शन है इसमें कि आप चाहे तो एक ओवरफ्लो हो जाए कार्ड तो दूसरा में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका बैटरी, ये बैटरी ओपन करने के लिए आपको इसको पुश कर रहे हैं। यहाँ पे आपका लेंस का कंट्रोल के लिए, वीआर रिडक्शन के लिए जो कि वाइब्रेशन रिडक्शन के लिए रिड्यूस या कि रिडक्शन के लिए ये वीआर ऑन, और लेंस के लिए आपका ये ऑटो मोड और ये मैनुअल मोड। क्योंकि दोस्तों ये आपका प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल लेवल के लिए ये कैमरा बहुत ही अच्छा चॉइस है। और परचेस करने के टाइम आपको निकॉन का ये किट्स भी मिल जाएगा जो कि आप इसमें लेंस और कैमरा कैरी कर सकते हैं। और मैंने तो ये आपका फ्लिपकार्ट से लिया है और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों में आपका ये अवेलेबल है अभी। और प्राइस रेंज आपका 76 से लेकर 80 तक होगा।